नमस्कार, ग्लोबल हेराल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और ग्लोबल हेराल्ड आपसे अपील करता है कि जनता कर्फ्यू का समर्थन करे और अपने आप को सुरक्षित रखे। इसी के साथ आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। आपको बता दें कि जहां एक ओर पीएम मोदी की अपील जनता कर्फ्यू पर पूरा देश एक साथ समर्थन कर रहा है, देश में हर कहीं जगह जगह सन्नाटा पसरा हुआ है, तो वहीं ऐसे में अशोकनगर जिले के मुंगावली तहसील स्थित गल्ला मंडी में पीएम मोदी की अपील की सरासर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और प्रशासन द्वारा लगाई गई धारा 144 के आदेश के अवहेलना की जा रही है। गल्ला मंडी के चेक पोस्ट कर्मचारी की मौजूदगी में मंडी में लगभग 30 से 40 मजदूरों द्वारा काम कराया जा रहा है। अनाज की गाड़ियां भरवाई जा रही हैं, वह भी बिना कोई प्रोटेक्शन सुरक्षा के इंतजामों के बिना। जब इस संबंध में गल्ला मंडी चेक पोस्ट कर्मचारी से पूछा गया तो उसने कहा कि गल्ला मंडी के नियम कानून अलग हैं, यहाँ के नियमानुसार काम हो रहा है, गाड़ी भरना बहुत जरूरी है। अब इन महाशय को कौन समझाए कि आदमी की जान के आगे कोई काम जरूरी नहीं होता। इसको देखकर तो यही कहा जा सकता है कि जब प्रशासन के लोग ही पीएम की अपील को सरे से नकारते हुए प्रशासन के नियमों को ताक पर रखकर उनकी धज्जियां उड़ाएंगे तो आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। अशोकनगर मुंगावली से ग्लोबल हेराल्ड के लिए अलीम डार की रिपोर्ट। चौहान, चेक पोस्ट पे हाँ। ये गाड़ी कब से भरी जा रही है? गाड़ी रात भर से भरी जा रही है। तो इन लोगों को मना नहीं किया कि आज बंदे सब मालूम है उनके लिए, सब पूरा मालूम है उनके लिए, तो सब जानकार है, सब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। नहीं तो आपका बोलना नहीं बनता कि बंद कर बोल दिया उनसे, गाड़ी भरना जरूरी है। अच्छा, वो जाएंगे नहीं, गाड़ी बाहर नहीं जाएंगी, लेकिन बाद में जाएंगी वो।